हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर न्यूज। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं मेरी फोटो आ चुकी है। मैं इसको डायरेक्टली लाइटरूम में ऐड कर लेता हूं। यहां पे मैं ऐड कर लिया हूं। तो अब हम आ जाते हैं स्टेप पे, अपने स्टेप वन पे। पहला स्टेप है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को मैं एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पे पहले कॉन्ट्रास्ट को हल्का प्लस कर लूँगा। कॉन्ट्रास्ट को प्लस करने के बाद हाईलाइट को कम कर दूंगा। हाईलाइट को कम करने के बाद शेडो को प्लस कर लूँगा। शेडो को प्लस करने के बाद वाइट्स को कम कर दूंगा। वाइट्स को कम करने के बाद आप ब्लैक को भी हल्का कम करिएगा। ब्लैक को कम करने के बाद आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। कलर ब्राइटनेस एडजस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हो गया, ये कलर वाले टोन पर आते हैं। अब कलर वाले टोन पर आने के बाद अब इसका टैम्प मतलब इसका टाइम मतलब टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर इसका हम लोग हल्का कम कर लेंगे। टेम्परेचर कम करने से ब्लू की शेडिंग आ जाएगी। यहाँ पे हो गया ये, तो इसका टाइम हल्का प्लस रखेंगे और इसका वाइब्रेशन हल्का प्लस रखेंगे। अब आ जाते हैं सर्कल वाले ऑप्शन पे। हम लोग सर्कल वाले ऑप्शन पे आएंगे। आप देख सकते हैं सर्कल वाला ऑप्शन, इसको मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद ऑरेंज वाले टोन पे आऊँगा। ऑरेंज वाला टोन फेस के लिए होता है, फेस की ब्राइटनेस के लिए। तो यहाँ पर इसका ल्यूमिनस फेस की ब्राइटनेस के लिए होता है। देख सकते हैं फेस पे ब्राइटनेस आ रही है। तो इसका लिमलेस प्लस कर लेंगे। सिचुएशन को हल्का माइनस रखेंगे। अब येलो वाले पे आ जाएंगे। येलो का सिचुएशन प्लस रखना है और हीओ को माइनस रखेंगे। आप हीओ को माइनस कर लेता हूं मैं, ये देख सकते हैं आप, हीओ को माइनस कर लेता हूं। अब ग्रीन वाले पे आएंगे। सिचुएशन को आप फिर प्लस कर लीजिए। हीओ को माइनस रखने के बाद आप आ जाइए ब्लू वाले पे। ब्लू वाले को छोड़ के पहले एक कलर रेडिंग कर लेता हूं। ऑरेंज वाले पे आने के बाद आप लिमलेस को हल्का प्लस कर लीजिए। ल्यूमिनस प्लस करने से ब्राइटनेस बढ़ जाएगी बैकग्राउंड की। तो यहाँ पे हो गया रन। अब ब्लू वाले पे आएंगे। ब्लू वाले का सिचुएशन माइनस रखिएगा और पर्पल वाले का भी माइनस रखिएगा। पर्पल वाले का भी माइनस रखिएगा। डार्क पर्पल वाले का भी माइनस रखिएगा हल्का। तो यहाँ पे कलर रेडिंग होगी। यहाँ पे इसको कर लेते हैं डन। बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको कर लेता हूँ मैं डन। यहाँ पे डन करने के बाद अब आ जाते हैं स्क्वायर वाले ऑप्शन पे। बिफोर आफ्टर देखिए आप कैसी थी फ़ोटो, कैसी होगी। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं स्क्वायर वाले ऑप्शन पे। क्लैरिटी इसका प्लस करेंगे। क्लैरिटी प्लस करने के बाद आप टेक्सचर को भी प्लस कर लेंगे। टेक्सचर को प्लस कर लेते हैं हम। टेक्सचर को प्लस करने के बाद आप आ जाइए वेंटेज को हल्का कम करिएगा। वेंटेज साइड शेडो के लिए होता है। तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। आप स्क्वायर वाले ऑप्शन ट्राइंगल पर आएंगे। शार्पिंग हल्का प्लस रखेंगे। इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हम लोग सीधे से फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। तो आगे का स्टेप बहुत ही ईजली है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो बिफ़ोर आफ्टर आप देख सकते हैं अब आगे क्या होगा। ब्राउन टोन कैसे आएगा, ऑरेंज टोन, लाइट ब्राउन टोन एंड ऑरेंज टोन कैसे आएगा, मूडी ऑरेंज टोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, फ़ोटो को मैंने सेव कर लिया। अब मैंने जो फ़ोटो सेव करी है उसको मैं लाइट रूम में फिर से ऐड करूँगा। यहाँ पर मैंने ऐड कर ली है। तो सीधे से आप भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड कर ली। अब ये वाला पीसेट मैं दूँगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे पीसेट को मैं कॉपी सेटिंग कर लेता हूँ। कॉपी सेटिंग का मैंने वीडियो बना चुका था, आप देख सकते हो जाके एक बार। कॉपी सेटिंग पे क्लिक करेंगे, अब इसको डन कर लेंगे। डन करने के बाद वापस से अपनी फ़ोटो पे आएंगे हम लोग। वापस से फ़ोटो पे आने के बाद हम लोग थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आप पेस्ट सेटिंग कर देंगे। पेस्ट सेटिंग करते ही आपको लुक मिल जाएगा। यहाँ पे पेस्ट सेटिंग मैं कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट सेटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं लुक बिफोर आफ्टर, आप देख सकते हैं कैसा था कैसा हो गया। मोडली ऑरेंज टोन आ चुका है, मोडली ऑरेंज टोन ये हो गया। अब इसकी क्लैरिटी हल्का प्लस कर लेते हैं। क्लैरिटी प्लस करने के बाद फिनिश को छोड़ देंगे। अब सेकंड ऑप्शन पे आएंगे। शार्पिंग हल्का प्लस है, उसको छोड़ देंगे। शार्पिंग को हल्का प्लस कर लेंगे और इसका नोट रेडिएशन प्लस करना है। कॉन्ट्रास्ट प्लस कर लीजिए आप और कलर नोट रेडिएशन को भी प्लस कर लीजिएगा और स्मूदिंग को भी फुल कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पर हो गया, आप देख सकते हैं फ़ोटो कैसी थी कैसी हो गई। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूडी ऑरेंज टोन आ चुका है मेरी फ़ोटो पे। बिफ़ोर आफ्टर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक आ चुका है फ़ोटो में। तो ये ट्रिक आजमा के आप अपनी फ़ोटो पे लुक ला सकते हैं। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और शेयर ज़रूर कर दिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फिर से। चलिए बाय बाय टाटा।